ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपने प्रेशर्स में आके हमें कोई बात बोल देता है, और जैसे ही वो हमें बोलता है तो हमारे में सहन शक्ति नहीं होती है। उस समय हम क्यों नहीं ले लेते मेरी सहन शक्ति का टेस्ट, जब बड़े ने कहा, जब छोटे ने कहा, ठीक है ना? क्योंकि हम स्टडी के लिए तो यहाँ आए हैं, और हमारी स्टडी का मीनिंग क्या है, क्या है स्टडी का मीनिंग? स्टडी का मीनिंग यही है कि जो पावर्स हैं वो पावर्स हम अपने जीवन में कहाँ तक ले करते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि कहीं हम अपने विकर्मों को संगम पर बढ़ाते नहीं चले। कई बार हम अपने विकर्मों को, अगर उमंग उत्साह कम हो रहा है ना, टेम्परेचर अगर लो हो रहा है, तो समझ जाओ क्या करने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो विकर्म हम लोग कई बार संगम पर भी बनाते रहते हैं, किसी के लिए अशुभ सोचते रहेंगे, अपने लिए अशुभ सोचते रहेंगे, मेरा शरीर ठीक नहीं, मेरा शरीर ठीक नहीं, ये क्या है, शुभ संकल्प है, शुभ संकल्प है नहीं है ना? हम कुछ कर नहीं पाते, हम तो सेवा में सहयोग देंगे, अरे ये तो नहीं प्ले कर पाते, दूसरा कोई सब्जी काटने में मदद करूँ आपकी, हो सकता है आपको सब्जी काट के देखते हुए 10 बुजुर्ग और आ जाए सेवा में करने में, बहन जी की जो बड़ी हड्डी है वो अलग हो जाए। इसी सेवा के रोल को तो हम चेंज कर सकते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि यहाँ संगम पर हमें अपने ऊपर पूरा ध्यान रखना है, और कभी भी अपने विकर्मों के खाते को अधिक नहीं बनाना है। तो अभी चलते हैं 10 मिनट के लिए बाबा के पास, और जो हमारा विकर्म बुराइयाँ हैं सब बाबा को दान देकर ख़त्म करते हैं। रावण जलाया या अभी जलाना है? पैदा हो जाता है ना हमारे अंदर में वो, कई पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आप पैदा होते रहते हैं, तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें फिर से हमारे अंदर में पैदा हो जाती हैं। तो फिर से हम 10 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठते हैं, मन को आप विचार देंगे और बुद्धि के द्वारा उसका दृश्य बनाएंगे। तो जब मन और बुद्धि दोनों एक दिशा में काम करने लगते हैं तो हमें अपने जीवन के अंदर एक बहुत सुंदर अनुभूति होती है।